रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो है एनवायरमेंटल डे। पता है आप सबको, इससे पहले कोई आपको इन्फॉर्मेशन थी इस डे के बारे में? फर्स्ट टाइम आप लोगों को पता चला है? बताएं प्लीज़। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बेसिकली ये डे क्या है। एनवायरमेंटल डे जो है वो, जैसे कि आपके टीचर ने पहले आपको बताया है कि फ़र्स्ट टाइम ये 1972 में सेलिब्रेट किया गया था यूएनओ की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। बेसिकली जो ये डे है वो ये है कि यहाँ पे हम इस दिन को जो है उसकी अहमियत को हम सेलिब्रेट करें। वो इस तरह से हम कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, और सिर्फ प्लांटेशन नहीं करनी है, इसके अलावा हमने इनको सेव भी करना है, इनकी ग्रोथ का ख्याल करना है, इनको ख़राब नहीं करना है। मेरा मकसद जो ये है कि आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने सिर्फ प्लांट्स लगाने नहीं है, उसकी केयर भी करनी है। ठीक है, करेंगे आप लोग? प्लांट्स लगाएंगे भी? और उनको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है, तोड़ना भी नहीं है। सिर्फ स्कूल में नहीं, घरों में भी आपने ऐसे ही करना है। और प्लांट्स जो लगाने हैं वो, ये फ्लावर्स वाले तो देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हमने अपने एनवायरनमेंट डे के रेफरेंस से जो प्लांट्स लगाने हैं वो ऐसे प्लांट्स लगाने हैं जो आप लोगों को फ्रूट दें, छाँव दें और ऑक्सीजन दें। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की? ज़्यादा से ज़्यादा छाँव होगी, हवा होगी, ऑक्सीजन जो है वो आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, एनवायरमेंटल डे का मैसेज जो है आप लोगों ने अपने गली मोहल्लों में भी कन्वे करना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, जैसे आप लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं वैसे बनाएं, और एक सिंपल सा मैसेज करें कि हमने दरख्त लगाने हैं, उनको काटना नहीं है, इनका ख्याल रखना है। ठीक है, पानी जो है उसको गंदा नहीं करना है, पानी सेव करना है, पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे जंगलात का इशू पाकिस्तान में है, इस तरह पानी का भी मसला जो है वो 2027-28 तक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। जैसे आप लोगों को अभी गैस की प्रॉब्लम्स है, बिजली के प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह पानी का प्रॉब्लम भी जो है नेक्स्ट पाकिस्तान में है। तो अभी से इसमें पानी को आप लोग सेव करें, कम से कम इस्तेमाल करें। जब आप लोग हैंड वॉश करते हैं, ब्रश करते हैं, तो पानी कम इस्तेमाल करें। उस वक्त पानी हम खोल के खड़े हो जाते हैं और पानी चलता रहता है और वो ज़ाया होता रहता है। ठीक है, चलें, ठीक है, मेरा यही मैसेज था आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को एनवायरमेंटल डे का जो फर्स्ट मैसेज है वो समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपर जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। मैं स्कूल इंतज़ामिया की, मैडम की, टीचर्स की और आप सब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस डे को इम्पोर्टेंस दी और यहाँ हम इकट्ठे हुए, और ये हमारा बेसिकली यही हमारा मकसद हयात है। ठीक है, आप लोगों ने इस डे को ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करना है, वो इसी तरह से करना है, प्लांटेशन करनी है। फ़िलहाल जो आप कर सकते हैं वो प्लांटेशन है। चलें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Thank you so much, miss, for your kind words. Please हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।